आपले नानाभाऊ पटोले जी यांचं सुद्धा या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष मोहन पंचबाई जी स्वागत करतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्याचे अध्यक्ष या राज्याचे माजी मंत्री आदरणीय जयंतराव पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी मोहन पंचबाई जी स्वागत करतील. त्याचप्रमाणे आपल्या राज्याचे ज्येष्ठ नेते विधिमंडळाचे काँग्रेस पक्षाचे नेते आदरणीय बाळासाहेब थोरात यांचं स्वागत सुद्धा या ठिकाणी मोहन पंचबाई जी करतील. आपल्या राज्याच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आदरणीय वडेट्टीवार साहेब, आपल्या राज्यसभेचे खासदार आदरणीय चंद्रकांत हंडोरे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत करतील. आपले घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राज्याचे अध्यक्ष या राज्यातले ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री आदरणीय जयंतराव पाटील साहेब यांना या ठिकाणी विनंती करतो की त्यांनी या विशाल सभेला संबोधित करावे. आदरणीय जयंतराव पाटील साहेब. आपल्या सर्वांचे लाडके नेते राहुलजी गांधी, काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे नानासाहेब पटोले, बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्ष नेते वडेट्टीवारजी, माणिकराव ठाकरेजी, हंडोरे साहेब, आमचे जुने मित्र सतीश चतुर्वेदीजी, सगळेच व्यासपीठावरील मान्यवर आणि बंधू भगिनींनो, आज आपल्या सर्वांच्या समोर या लोकसभा मतदारसंघातील साऱ्या प्रचंड मोठ्या संख्येनं गोळा झालेल्या जनतेच्या समोर राहुल गांधी बोलणार आहेत. ते देशभर अनेक ठिकाणी आज जाऊन आलेले आहेत. त्यांच्या देशातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या सभा बघितल्या तर फार मोठ्या प्रमाणात त्यांना देशातल्या जनतेचा प्रतिसाद त्यांना आणि इंडिया आघाडीला मिळायला लागलेला आहे. या देशाने 10 वर्षात जो अनुभव घेतला त्यामधून पुन्हा जुने दिवस आणले पाहिजेत आणि या देशातल्या भरडीला गेलेल्या जनतेला अन्यायापासून वाचवलं पाहिजे ही भावना देशभर जागृत झालेली आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणि गोंदिया जिल्ह्यामध्ये, भंडारा गोंदिया जिल्ह्यामधल्या या लोकसभेच्या सीटमध्ये यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस ही जागा लढवत होती पण आघाडी चर्चा करून नाना पटोलेजींच्या आग्रहानं ही जागा काँग्रेस पक्षानं लढवायचा निर्णय घेतला आणि आपले उमेदवार आज आपल्या सर्वांच्या समोर या निमित्तानं उभे आहेत. मला खात्री आहे, मी काही ठिकाणी सकाळपासून गेलो, राहुलजींना मी विश्वास देईन की या जिल्ह्यातले आणि शेजारच्या जिल्ह्यातले सगळे सामान्य माणसं सांगतात की यंदा या निवडणुकीत हाताचाच विजय होईल, काँग्रेस पक्षच या ठिकाणी विजय होईल अशी खात्री सगळेजण द्यायला लागलेले. आज देशात ही परिस्थिती का निर्माण झाली मी फार मुद्दे घेणार नाही, पण यात गेल्या 10 वर्षात सत्तेत बसणाऱ्या मोदी सरकारने काय काम केलं? 14 सालापासून 23 सालापर्यंत या सगळ्या काळात या देशात 1 लाख लोकांनी, 1 लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपवली. म्हणजे रोज 30 माणसं भारतामध्ये शेतकरी समस्या वेगळ्या तोंड देता येत नाही म्हणून आत्महत्या करतायत ही मोदी साहेबांच्या सरकारची मिळकत आहे. या सरकारने पीक विम्यावर काय केलं? या पीक विम्यामध्ये पंतप्रधान फसल विमा योजनेमध्ये
14-15 हजार कोटींची तरतूद आहे म्हणून जाहीर केलं, पण याचा लाभ मित्रांनो शेतकऱ्याला नाही मिळाला। याचा लाभ मिळाला खाजगी विमा कंपनींना मिळाला, आणि खाजगी विमा कंपन्यांना मिळाला देशातल्या केंद्र सरकारने दिलेल्या पैशातून। या देशातल्या सामान्य शेतकऱ्याला विम्याचा कोणताही नुकसान भरपाई मिळाली नाही। दुसऱ्या बाजूने आपण म्हणतो आपल्यात की बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, तसं केंद्र सरकारच्या विमा योजनेप्रमाणे राज्य सरकारने देखील विमा योजना चालू केली, आणि पुन्हा विमा कंपन्यांच्याच हातात हजारो कोटी रुपये देण्याचं पाप राज्य सरकारने केलं, पण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला विमा मिळाला नाही। आणि म्हणून आज माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला या देशात पीक विम्याने भरडलेला शेतकरी दिसतोय। 1 रुपया प्रीमियम भरा म्हणून सांगून फसवणूक या देशातल्या शेतकऱ्यांची करण्यात आली। 1 रुपया भरल्यानंतर आम्हाला काही पैसा मिळेल म्हटले, पण प्रीमियम भरणाऱ्या ज्या कंपन्यांना प्रीमियम भरला ते कंपन्या म्हटल्या की बाबानो तुम्ही 1 रुपया भरलाय, तुम्हाला आम्हाला काही नुकसान भरपाई देता येणार नाही। आणि म्हणून या देशातल्या जनतेला फसवण्याचं काम या देशात झालं। दुसऱ्या बाजूनं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची भूमिका मांडण्यात आली। सगळ्यांना वाटलं 2022 पर्यंत शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट होईल, परंतु या देशामध्ये दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी जाऊन बसला, 3 बेकार चुकीचे कायदे केले, त्याला विरोध केला, 700 शेतकऱ्यांनी आपले प्राण सोडले। आता काय चालू आहे? केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं। त्यांनी सांगितलं आम्ही निवडणुकीत वचन दिलेलं होतं, पण वचनानुसार एमएसपी निश्चित करणं आम्हाला शक्य नाही। अरे बाबांनो, जे झेपत नाही ते बोलता कसे? मोदी सरकारने ज्या घोषणा केल्या त्या सगळ्या घोषणा या निश्चितपणानं फार मोठ्या संख्येनं फसवणूक करणाऱ्या देशातल्या जनतेच्या आहेत। आणि म्हणून माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आपणा सर्वांना हेच आव्हान करायला लागतं की या भंडारा गोंदियाचं परिवर्तन करायचं असेल, खऱ्या अर्थानं इतक्या शेतकऱ्याला, शेतमजुराला, धानाच्या शेतकऱ्याला न्याय द्यायचा असेल तर आपल्याला पुन्हा एकदा या मतदारसंघात इंडिया आघाडीच्या वतीनं उभा असणाऱ्या काँग्रेसच्या उमेदवाराला विजयी करावं, एवढीच विनंती करतो। आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो, धन्यवाद। भाषणाच्या या क्रमामध्ये आपल्या राज्याचे विरोधी पक्षनेते आदरणीय विजय वडेट्टीवार साहेब यांना विनंती करतो की या विशाल जनसमूहाला आपण या ठिकाणी संबोधित करावे। वडेट्टीवार साहेब, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय राहुल गांधी साहेब या मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि डॉक्टर प्रशांत पडोळे यांना विजयी करण्यासाठी आलेले भंडारा गोंदियातील देशभक्त राष्ट्रभक्त मतदार बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, कारण तुम्ही देशभक्त आहात, उद्याच्या नवीन जुमलेबाज सरकार मधून या देशाला मुक्ती देण्याचं काम तुम्हाला करायचं आहे। मी देशभक्त यासाठी म्हटला की ज्या वेळेस देश स्वतंत्र होत होता, आज जे दिल्लीमध्ये बसले आहेत ते इंग्रजांचे पाय चाटत होते, आणि ते आम्हाला देशभक्ती सांगतात की ज्यांनी त्याचं काम केलंय। आणि म्हणून जुमलो की सरकार लूट झूट इनके खून में भरा है, रोज खोटो बोला, रोज नवीन जुमला पेरा। ही सरकार गरीबाची आहे? अरे ज्या सरकार मध्ये सोन्यावर 3% GST, आपण हिऱ्यावर 2% GST आणि ट्रॅक्टरवर अवजारावर 18% GST, हे शेतकऱ्याचा खुनी सरकार आहे, हे श्रीमंताचं सरकार आहे। आणि म्हणून राहुलजीने सांगितलं आहे डरो मत, हा मी राहुलजींना विश्वास देतोय, राहुलजी आपको विश्वास दिलाएंगे, विदर्भ के पहिले पेश के पाचो जगह
कांग्रेस महाविकास आघाड़ी जीतेगी यह हम विश्वास दिलाते हैं। बेवकूफ बनाने का धंधा उठा लिया इन्होंने। वो स्मृति ईरानी जी आती थी, मैंने कितनी महंगाई बढ़ा दिया, अब कहां गई है? 440 का सिलेंडर महंगा लग रहा था, 67 रुपए खाने का तेल महंगा लग रहा था, सिलेंडर पे आके बैठ जाती थी। अब पहले का कांग्रेस का सिलेंडर 440 में 14.5 किलो चा होता, एक बाई को उचलत नव्हती, नवऱ्याला बोलत होती हो कि सिलेंडर उचलू लागा म्हणून, आता 12 किलो चा झाला, बायको आमची बहीण उचलते आणि घेऊन जाते, सिलेंडर हलका केला आणि पैशांनी वजन केला, असा हा लुटारूचा सरकार आहे, याला आपण धडा शिकवला पाहिजे। वेळेचं बंधन आहे, राहुलजींना जायचं आहे। या नेत्यांनी देश दुभंगलेला देश या नेत्यांनी आमच्या नेत्यांनी जोडलेला आहे। अरे गांधी नाम का डर दिन रात मोदी को सताता है, नींद में भी गांधी दिखते हैं, क्योंकि गांधी ने इस देश को बनाया है, गांधी ही देश को आगे ले जा सकता है, यह विश्वास हिंदुस्तान के जनता का। और आता तुम्हारा एक शेवट संग, पहले 13 मधे 3 महिन्याचा इलेक्ट्रिकचा बिल येत होता, 2 बल 1 पंखा महिन्याला 400 बिल येत होता, हे भाजपवाले आले आणि 3 महिन्याचं बिल होतं ते महिन्यावर केलं, काल परवा 10% इलेक्ट्रिकचा बिल वाढवला, तेवढेच बल आहेत तेवढेच पंखे, पण आता बिल 1200 येतो, हे महागाई आहे की सस्ताही आहे? आता पुन्हा अदानीचा मीटर येतोय, स्मार्ट मीटर, जसा तुम्ही मोबाईल चार्ज करता तसा तो मोबाईल चार्ज केला संपला की मोबाईल बंद, तसंच होणार आहे उद्या, तो मीटर येईल आणि तो चार्ज संपला का रात्री 12 लाईट जाईल आणि मग बनियान काढा आणि अंगणामध्ये येऊन हलवत बसा, ही पाणी तुमच्यावर येईल, तो मीटर गरागरा फिरणार आहे, गरागरा गरागरा फिराल आणि मग तुम्ही गरागरा फिराल। आणि यासाठी सांगतो बंदोबस्त करा, ये ऐसे जुमलेबाज आहे। शेवटचं एक शेर सांगतो, सरकार आवाम को ऐसा बेवकूफ बनाई है, सरकार आवाम को ऐसी बेवकूफ बना रही है, आंखें निकाली जा रही और चश्मा दान किया जा रहा है, ऐसे सरकार को हटाओ और कांग्रेस को लाओ, महाविकास आघाड़ी को लाओ, अशी विनंती करतो। 2 नंबरवर पंजा आहे, 1 नंबरवर पापी आहे, 2 नंबरवर पंजा, 1 नंबरवर पापी, 2 नंबरची आमच्या प्रशांतची पंजाची बटन दाबून प्रचंड बहुमताने विजय करा, नाना भाऊ बाळासाहेब सर्व आमच्या लोकांचे हात मजबूत करा आणि राहुलजींना सांगा की हा देश राहुलजी आपके साथ है, विजयाची मुहूर्त या भंडारा गोंदियातून आपण सुरुवात करावी अशी विनंती करतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सेवा, सलाम वालेकुम, जय भीम, राम राम। राज्याच्या काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळाचे नेते आदरणीय बाळासाहेब थोरात साहेब, आजच्या या प्रचंड जनसमुदायाला मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित असलेले आपल्या देशाचे नेते, आपल्या सर्वांचे नेते आदरणीय राहुलजी गांधी, महाराष्ट्राचे प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नानाभाऊजी पटोले, माननीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंतरावजी पाटील, आपले विरोधी पक्ष नेते विजयजी वडेट्टीवार, उपस्थित असलेले आपल्या सर्व तिन्ही पक्षांचे आणि मित्र पक्षांचे सर्व नेते, सर्व बंधू आणि भगिनी, आजचा हा प्रचंड जनसमुदाय पाहिल्यानंतर काँग्रेसच्या पाठीशी आपण भक्कम उभे आहात आणि प्रचंड विजय हा काँग्रेसचा होणार हे आता निश्चित झालेलं आहे। ज्या ज्या वेळेस समतेचा विचार अडचणीत आला,
ज्या ज्या वेळेस लोकशाही अडचणीत आली, ज्या ज्या वेळेस राज्यघटना अडचणीत आली, ज्या ज्या वेळेस काँग्रेस अडचणीत आली, त्यावेळेस विदर्भाची जनता भक्कमपणे काँग्रेसच्या पाठीशी उभी राहिलेली आहे। हा इतिहास पुन्हा एकदा निर्माण होणार आहे, याचा आनंद आम्हा सगळ्यांना होतो आहे। आज राहुलजी गांधी आपल्याला येथे मार्गदर्शन करण्याकरता आलेले आहेत। आपण पाहिलं असेल युपीएचं सरकार आदरणीय सोनेजींच्या नेतृत्वाखाली होतं, डॉक्टर मनमोहन सिंगजी होते। आपल्याला अनेक हक्क त्यांनी त्यावेळेस दिले आणि अत्यंत अर्थव्यवस्था सुंदर पद्धतीने सांभाळली। त्यांनी जाती धर्माच्या नावावर मते मागितली नाही। या मंडळीने, भारतीय जनता पक्षाने धर्माच्या नावावर मते मागून माणसा माणसामध्ये भेद निर्माण करण्याचं काम त्यांनी चालवलेलं आहे। ते रोजगारावर बोलायला तयार नाहीत, ते महागाईवर बोलायला तयार नाही, स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारावर बोलण्यास ते तयार नाही, आणि अशा धर्माच्या नावावर मते ते मागतायत असं चित्र आपल्याला दिसतंय। याला आपण फसायचं नाही आणि पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या पाठीची, आघाडीच्या पाठीची आणि इंडिया अलायन्स जे आहे त्यांच्या पाठीची आपल्या सगळ्यांना उभं राहायचंय। राहुल जे आलेत, त्यांचा प्रवास आपण सगळ्यांनी कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत, मणिपूर पासून मुंबई पर्यंतचा प्रवास पाहिला, 10,000 किलोमीटर ते चालले। 10,000 किलोमीटर मध्ये जनतेशी संवाद साधला आणि त्यानंतर त्यांनी आता आणली आहे गॅरंटी। जे आपल्याला पाहिजे ते धर्माच्या नावा मत मागत नाही, तर सर्वसामान्य माणसाला केंद्रीभूत मानून त्याचं जीवन चांगलं कसं होईल याकरता त्यांनी गॅरंटीज आणलेल्या आहेत। आणि हा हक्क आहे आपला, गॅरंटी ते देत आहेत आणि त्यामधून सर्वसामान्याच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण होणार आहे। त्याकरता आपण राहुलजींच्या पाठीशी राहायचंय, आघाडीच्या पाठीशी राहायचंय। पंजाला मतदान, पंजाब पायचा बटन दाबायचं, लाखो प्रचंड मताधिक्यानं आपले उमेदवार विजयी करायचे, एवढंच आवाहन करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो। यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय नानाभाऊ आपल्या सर्वांना संबोधित करतील। आदरणीय नानाभाऊ, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सबसे पहले मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मेरे गांव में आए हैं और हमारे हमारे इस क्षेत्र में आकर आपका जो जनता का प्यार है वो राहुल जी को देखने मिल रहा है, और इसलिए मैं राहुल जी को धन्यवाद करता हूं। और एक बात मैं राहुल जी को बोलना चाहता हूं कि हमारे यहां पर बैकवर्ड यानी ओबीसी के लोग बड़े पैमाने में हैं, शेड्यूल कास्ट आदिवासी और एंटी विजेंटी के लोग ज्यादा हैं, और ऐसे इस क्षेत्र में आपने और पूरे देश के जनता को आपने जो सेंसस करने की बात की है, जनगणना करने की बात की है, लोगों का आर्थिक सर्वेक्षण करने की बात की है, उसके लिए मेरे क्षेत्र की तरफ से और महाराष्ट्र की जनता की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने इस मैनिफेस्टो में उस बात को कहा है। मैं इस क्षेत्र में राहुल जी किसान बड़े पैमाने में रहते हैं, हाथ पे खाने वाले कमाने वाले लोग बड़े पैमाने में रहते हैं, युवाओं की तादाद भी हमारे यहां पे बहुत है। जो आपने मैनिफेस्टो हमको दिया है उसमें युवाओं को भी न्याय देने की बात की है, महिलाओं को भी न्याय देने की बात की है, किसान को भी न्याय देने की बात की है, और श्रमिकों को भी न्याय देने की बात की है, और भागीदारी न्याय की बात की है। जल जमीन जंगल किसी अंधानी का नहीं है, आपका अधिकार आपको देने की बात भी आपने भागीदारी न्याय योजना में दी है। मैं इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि आप हमारे यहां के लोगों को आपका मार्गदर्शन बड़े पैमाने में मिले, और इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हूं, मैं तो आपके सामने अपने समोर रोज बोलतो, त्यामुळे मी इथं जास्त ना बोलता। राहुल गांधीजींना या ठिकाणी बोलण्याची संधी देतो आहे
पण आपण राहुलजींचं जोरात स्वागत टायाने करावं असं आवाहन करतो आणि माझे दोन शब्द पूर्ण करतो. हम सबके लाडले नेता आदरणीय राहुलजी अभी आप हमको संबोधित करेंगे. नाना पटोले जी, बालासाहेब थोरात जी, विजय वडेट्टीवार जी, जयंत पाटिल जी, चंद्रकांत हंडोरे जी, माणिकराव ठाकरे जी, रवि वडाई जी, विदर्भा के हमारे कैंडिडेट्स प्रशांत पटोले जी, नामदेव किशन जी, विकास ठाकरे जी, प्रतिभा धनोरकर जी, श्याम बारवे जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के सब नेता, पार्टी के और अलायंस के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, भैया आप सबका यहां बहुत स्वागत. ये आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा है, ये हमारे मैनिफेस्टो के 5 सबसे बड़े वायदे हैं. और अगर आप देखेंगे बहुत सोच समझ के हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है. ये मैनिफेस्टो बंद कमरों में नहीं बना, ये मैनिफेस्टो हजारों लोगों से बातचीत करके, किसानों से मिलकर, मजदूरों से मिलकर, महिलाओं से, बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद ये मैनिफेस्टो बना है. और इस पे जरूर हमने कांग्रेस पार्टी का निशान लगाया है, मगर सचमुच में ये जनता का मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आपका है. आपकी आवाज, आपकी मन की बात हमने यहां स्टेज पे लिख दी है. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर इससे पहले देश की हालात के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं. पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए अरबपतियों के लिए सरकार चलाई. नाम आप जानते हो, सबसे बड़ा नाम अदानी जी, अदानी का नाम है. घर जाएंगे तो गूगल पे उनकी शेयर प्राइस जो है उसको देख लेना. जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार आती है उस दिन के बाद अदानी की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है. और पूरा देश जानता है कि इसको नरेंद्र मोदी की सरकार कहा जाता है, मगर सचमुच में यह अदानी की सरकार है, एक अरबपति की सरकार है. और सब कुछ अदानी के लिए किया जाता है. महाराष्ट्र में आपका एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट था, किसी और के हाथ में था, उस पर सीबीआई इंक्वायरी होती है, दबाव लगाया जाता है, धमकाया जाता है, और जादू से कुछ ही दिन बाद वो एयरपोर्ट अदानी जी के हवाले कर देता है, सब इंक्वायरी बंद हो जाती है, सीबीआई शांत हो जाती है,
अदानी जी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट चलाते हैं, और यह सिर्फ एयरपोर्ट के साथ नहीं हुआ है, यह पोर्ट्स के साथ हुआ है। हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स इनके हाथ में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हुआ है, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, फायदा उन्हीं को जाता है, खदान उनकी, कोयला उनका, सोलर पावर उनका, विंड पावर उनका, बिजली उनकी, सारा का सारा अदानी जी के लिए, और 5-10 और होंगे। इससे हुआ क्या कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं, 22 सिर्फ 22, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास। मतलब देखिए, 22 लोग पहली लाइन में 22 लोग बैठे हैं, आप सोचिए इतने लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 50% आबादी के हाथ में, और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी कभी धर्म की बात करेंगे, कभी गरीबों की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम कहेंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, और लक्ष्य एक ही है कि आपका जो धन है आपको पता भी नहीं लगता, जो आप जीएसटी में देते हो, आप शर्ट खरीदते हो टैक्स लग जाता है, पेट्रोल खरीदते हो टैक्स लग जाता है, जूते खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, जो भी आप खरीदते हो उसमें टैक्स लग जाता है, और आप उतना ही टैक्स देते हो जितना गौतम अदानी देता है। अगर आपने शर्ट खरीदी, 500 रुपए की शर्ट खरीदी, आप भी 18% दोगे, अदानी भी 18% देगा, और आपकी आमदनी हजारों में, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में, टैक्स एक ही देते हो। 24 घंटा मीडिया प्रधानमंत्री का चेहरा टीवी पे दिखाता है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला, 4000 किलोमीटर चला, और रास्ते में हजारों लोगों से मेरी बातचीत हुई, किसानों से, युवाओं से, सबसे मिला मैं पूछता था सबसे जरूरी मुद्दा कौन से हैं, कौन सा है, सब लोग जवाब देते थे बेरोजगारी, महंगाई, किसान को सही दाम नहीं मिलते, गरीबों की इस देश में कोई भागीदारी नहीं, ये मुद्दे थे। और आप 24 घंटा टीवी देखो, ना आपको बेरोजगारी के बारे में बताएंगे, ना आपको महंगाई के बारे में बताएंगे, आपको कोई किसान नहीं दिखेगा, कोई मजदूर नहीं दिखेगा, आपको बॉलीवुड के स्टार दिख जाएंगे आगे पीछे नाचते हुए, आपको क्रिकेटर दिख जाएंगे, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए, वहां पे मतलब मजाक बना रखा है, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ, और फिर एकदम समुद्र से आसमान में जाएंगे, सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऊपर से कोविड आएगा, लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, गंगा में लाखों लाश चल रही हैं, हजारों लाशें चल रही हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। नहीं, और मीडिया कहता है देखो प्रधानमंत्री ने क्या गजब की बात बोली है,
कमाल कर दिया, वहां पे सांस नहीं ली जा रही, लोग दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मीडिया कह रही है देखो कमाल किया मोदी जी ने, थाली भजवा दी हिंदुस्तान से, मरते हुए हिंदुस्तान से थाली भजवा दी। उसके बाद कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट चलाओ, वो चला दी। फिर मीडिया कहता है देखो कमाल की बात की मोदी जी ने, हिंदुस्तान में सेलफोन की लाइटें जला दी, और बाकी दुनिया देख रही है कह रही है ये क्या हो गया भाई, और कोई प्रधानमंत्री थाली नहीं भजवा रहा था, वो बचा रहे थे लोगों को, जान बचाने में लगे थे, तो मजाक सा बना रखा है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ और बोलेंगे, बस आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप उनका भाषण सुनो, ध्यान से सुनो, उनका काम आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का है। अदानी जी का काम आपका धन आपके जेब में से निकालने का है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, ठीक है आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी के सामने पिछड़े वर्ग के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कोई कहता है 50% है, कोई कहता है 55% है, कोई जानता ही नहीं है। मगर मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं, यह मैं गारंटी कह के कह सकता हूं। जितनी आबादी आदिवासियों की है उतनी भागीदारी आपकी नहीं है, जितने इस देश में दलित हैं उनकी भागीदारी नहीं है। मीडिया की लिस्ट निकालो, मोदी मीडिया है, मगर देखिए आपको आपको आंकड़े पकड़ने चाहिए, आपको आंकड़े निकालने चाहिए। देखिए यहां बैठे हैं ये जनता की आवाज कभी नहीं उठाते, मैं इनके सामने बोल रहा हूं, इनकी गलती नहीं है, ये जूनियर लोग हैं, इनको गुलाम बना के रखा हुआ है वहां पे, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको ऑर्डर आता है, इन बेचारों को सैलरी लेनी है, बच्चे पालने हैं, इनकी गलती नहीं है, पीछे से ऑर्डर आता है। मगर आप इनकी लिस्ट निकालिए, हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े जो इनके एंकर्स हैं जो 24 घंटा टीवी पे आते हैं, टिप्पणी करते हैं, ज्ञान देते हैं देश को, उनकी लिस्ट निकालिए। मैंने निकाली है, इसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपकी बात नहीं करते, क्यों करें, ये आपके हैं ही नहीं, इनको छोड़िए। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, सब जानते हैं 200 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, उनकी लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, उनके बड़े बड़े अफसरों की लिस्ट निकालिए, मुझे दिखा दीजिए उसमें ओबीसी कौन है, पिछड़े वर्ग का बता दो, दिखा दो मुझे कौन है वहां पे। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में एक ओबीसी वर्ग का मालिक नहीं है, एक दलित मालिक नहीं है, एक आदिवासी मालिक नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने पता लगाया है, मैंने लिस्ट निकाली है, मतलब 90% आपकी आबादी, और हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में आपका एक आदमी नहीं, मीडिया में आपका एक आदमी नहीं, प्राइवेट अस्पताल के मालिक की लिस्ट निकाली उधर आपका कोई नहीं, सबसे बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी इनकी लिस्ट निकाले उधर आपको नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे भैया ये तो हमारा काम नहीं है, तो फिर ठीक है,
हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, बजट बढ़ता है, महाराष्ट्र को पैसा आता है, तमिलनाडु को पैसा जाता है, सड़कों में लगाया जाता है, डिफेंस में जाता है, बजट को 90 लोग बांटते हैं, 90 आईएएस अफसर हैं, लाखों करोड़ रुपए वो बांटते हैं, डिसाइड करते हैं कहां जाएगा, आपके बच्चों की शिक्षा में कितना जाएगा। 90 नाम में से एक नाम दलित है, एक नाम आदिवासी है, तीन नाम ओबीसी है। आपकी आबादी 50% और 90 में से तीन, और वो भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में पीछे कहीं बैठे हुए हैं, बड़े डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो दलित ओबीसी आदिवासी अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी कहां 90% भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे, और फिर प्रधानमंत्री कहते मैं ओबीसी हूं। कैसे ओबीसी हो आप? पिछड़ों का आपने क्या किया? ओबीसी के लिए क्या किया आपने, ये बता दो मुझे। कौन सी योजना आप लाए हिंदुस्तान के किसानों के लिए, वो ओबीसी हैं? गरीबों के लिए कौन सी योजना लाए? जो छोटा व्यापार चलाते हैं उनके लिए कौन सी योजना लाए मुझे बता दो। एक योजना नहीं लाए आप। आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय लेता है, दलित 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय लेता है, पिछड़े वर्ग ओबीसी 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप कहोगे राहुल गांधी ने बात तो बता दी मगर सॉल्यूशन क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाए? मैं बताता हूं, जाति जनगणना। किसी को चोट लगती है सबसे पहले डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे करो, 1 मिनट में पता लग जाता है। तो हमारा पहला वायदा सरकार बनने के एकदम बाद जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, कितना धन पिछड़े वर्ग के हाथ में है, कितना दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, कहां कौन सी पोजीशन पे, जाति जनगणना से ये सब पता लग जाएगा। और क्रांतिकारी काम है, देखिए हम आपका टाइम जाया नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के लिए लड़ी, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, ये काम हम करते हैं आपके लिए, आपके साथ मिलके। तो ये क्रांतिकारी काम है, इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा भागीदारी किसकी है, कितनी है, कहां है। तो ये पहला कदम है। दूसरा कदम, यहां पे महिलाएं आई हैं, आप देश के भविष्य की देखभाल करती हो और आप डबल काम करती हो, आप जॉब भी करती हो और आप घर भी चलाते हो, चलाती हो, बच्चों की भी देखभाल करती हो, करती हो नहीं करती हो, मगर इसके लिए आपको कभी सही कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया। सही बात है ना? आप जाके जॉब करते हो, आप पुरुष हो, आप जाके जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है, आपकी बीवी घर में काम करती है, वो भी जॉब करती है, जॉब के लिए उसको सैलरी मिलती है, मगर जो घर में काम करती है उसके लिए उसको कुछ नहीं मिलता। तो आपको 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 मिलता है, मगर ये डबल काम करती है, इनको डबल पैसा नहीं मिलता।
तो ये बातचीत हमने कांग्रेस पार्टी में की और हमने निर्णय लिया कि देखिए जो महिलाएं हिंदुस्तान के भविष्य के देखभाल कर रही हैं, जिनको उसके लिए कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, पहली बार दुनिया में कोई भी सरकार क्रांतिकारी काम करने जा रही है। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट निकालेंगे, जो भी गरीबी रेखा के नीचे होंगे सारे परिवारों के हम लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला को हम चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए आपकी अगली सरकार डाल देगी। हर महीने ठका ठक 8,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। 1 तारीख को आप उठेंगी, बैंक में जाएंगी और देखेंगे कि भैया 8,500 रुपए सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया। और ये कोई तोहफा नहीं है, गिफ्ट नहीं है, ये मत सोचिए कि ये गिफ्ट है। जो आप हर रोज घर में करती हो, मदद करती हो, बच्चों की देखभाल करते हो, हिंदुस्तान के भविष्य की देखभाल करते हो, इसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को 16,00,000 करोड़ रुपए दिए हैं, 16,00,000 करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा अदानी की सरकार ने 22 लोगों को पकड़ा दिया, 24 साल का मनरेगा। तो हमने डिसाइड किया है जितना उन्होंने 22 लोगों को दिया है उतना हम हिंदुस्तान के गरीबों को उठा के दे देंगे। तो हर महीने पहले तारीख को करोड़ों महिलाओं को बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए साल के 1,00,000 रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार देने जा रही है। अब सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं किया, उल्टा नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू कर दी, अग्निवीर दे दिया और जो रोजगार बनता था वो भी खत्म हो गया। तो दो चीजें तो मैं पहले ही कह देता हूं, ये जो इनका अग्निवीर का स्कीम है आते ही हम इसको रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए। एक शहीद जिसको सरकार पेंशन देगी, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसके परिवार की रक्षा होगी, और दूसरा अग्निवीर शहीद जिसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम्हारे बेटे को या बेटी को हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तुम्हें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। यह बिल्कुल गलत है। अगर 2 युवाओं ने देश के लिए अपना खून दिया तो दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। इसीलिए हम अग्निवीर स्कीम को पहले दिन आके खत्म करेंगे। और भाइयों और बहनों, एक बात समझिए, यह स्कीम आर्मी नहीं चाहती, यह स्कीम आर्मी ने नहीं मांगा, यह स्कीम प्रधानमंत्री के ऑफिस ने बनाया है, उधर से बना है। प्रधानमंत्री ने यह स्कीम लागू की है, प्रधानमंत्री के ऑफिस ने सेना को कहा है कि तुम अग्निवीर बनाओ। और हिंदुस्तान का कोई युवा ऐसा नहीं है जो अग्निवीर चाहता है। पहले रिक्रूटिंग सेंटर्स होते थे, वो सब बंद पड़े हैं, कोई नहीं जा रहा वहां पे, क्योंकि सब जानते हैं अग्निवीर बनेंगे, पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कैंटीन नहीं मिलेगी।
तो सबसे पहले इसको रद्द करेंगे। दूसरा काम, ये जो इन्होंने गलत जीएसटी लागू की है जिससे छोटे व्यापारी खत्म हो गए हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस खत्म हो गए हैं, ये पांच अलग अलग टैक्स, दलाली वाली जीएसटी, एक्सट्रोशन वाली जीएसटी, इसको हम बदलेंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और जो हमारे किसान हैं जो आज टैक्स दे रहे हैं उनकी बात मैं थोड़ी देर में कर रहा हूं, मगर कम से कम टैक्स होगा और एक टैक्स ब्रैकेट होगा। 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इनको नहीं भरा। 30 लाख वैकेंसी हम भर के आपको पकड़ा देंगे। गरीब गरीब घर के बेटे बेटियां बेरोजगार हैं, अमीर घर के बेटे जब जॉब मार्केट में जाते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप अंग्रेजी शब्द है, मगर इसका मतलब कि उनका 6 महीने का, 1 साल का, 1 साल की जॉब लगती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिस में उनको जॉब लगती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, और फिर अगर वो अच्छा काम करते हैं उनकी जॉब परमानेंट हो जाती है। मगर ये अधिकार और ये मौका हिंदुस्तान के गरीब युवाओं को नहीं मिलता है। हम आपके लिए मनरेगा लाए थे, रोजगार का योजना, रोजगार का अधिकार, अब हम आपके लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप का अधिकार ला रहे हैं। इससे क्या होगा, जिसके पास डिप्लोमा है, कॉलेज डिग्री है, यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उन सबको यह अधिकार मिलेगा। प्राइवेट कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, सरकारी ऑफिसेज में, इन सबको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1 साल का उनको 1 लाख रुपया मिलेगा और उनकी ट्रेनिंग होगी। गरीब से गरीब युवा हिंदुस्तान में अप्रेंटिसशिप कर पाएगा, ट्रेनिंग ले पाएगा, 1 साल में 1 लाख रुपए उसके जेब में आएंगे, बैंक अकाउंट में आएंगे, और फिर उसके बाद अगर वो अच्छी तरह काम करेगा तो उसकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। किसी भी सरकार ने, दुनिया में किसी भी सरकार ने ऐसा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया है, ये हम करने जा रहे हैं। यात्रा में यहां से निकला, बहुत सारे युवाओं ने कहा हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, बेईमान लोग फायदा उठा जाते हैं, हम देखते रह जाते हैं। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ कानून, सख्त कार्रवाई होगी, और जो भी पेपर लीक करवाएंगे उनको हम जेल में डाल देंगे। और आजकल जो फैशन बनाया है मोदी जी ने कि प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट कंपनीज एग्जाम दिलवा रही हैं, इसको हम बंद करेंगे। कोई प्राइवेट कंपनी एग्जाम नहीं दिलवाएगी, सरकार एग्जाम दिलवाएगी, सरकार एग्जाम मार्किंग करेगी, टेस्टिंग करेगी। मैंने किसानों की बात की, पूरे देश में किसान उदास है, डरा हुआ है, और किसान, किसी भी किसान से बात करो 2 चीजें कहता है, एक सवाल कि राहुल जी अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर हमारा कभी कर्जा माफ नहीं होता, क्यों नहीं? और दूसरा,
प्राइवेट कंपनियों को उनके प्रोडक्ट के लिए सही दाम मिलता है, मगर हिंदुस्तान के किसान को सही दाम कभी नहीं मिलता, क्यों? ये दो सवाल हजारों किसानों ने मुझसे पूछे, यात्रा में पूछे हर रोज, राहुल जी ये क्यों हो रहा है? तो मैं उन किसानों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी तो ये नहीं होगा। सबसे पहले जैसे हमने आपका कर्जा माफ किया था, हम फिर से हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है, हिंदुस्तान का हर किसान कह रहा है कि हमें कानूनी एमएसपी चाहिए, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, वो हम हिंदुस्तान के किसानों के लिए करने जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान में कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी सरकार हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रही है। ये हमारी गारंटी है, हम आपको झूठ नहीं बोलते हैं। आप जानते हो ये आपकी आवाज है, ये आपने हमें बताया है। हम कोशिश भी करते, आपके बिना ऐसा हम मैनिफेस्टो नहीं लिख पाते, क्योंकि ज्ञान जानकारी आप में है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में है। तो हम आपकी सरकार चलाएंगे, हम अदानी की सरकार नहीं चलाएंगे। हम किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारों की सरकार, व्यापारियों की सरकार चलाएंगे। हमारी कोशिश हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने की होगी, किसानों की रक्षा करने की होगी। हमारा चेहरा आपको टीवी पे नहीं दिखेगा, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं, टीवी अदानी का है, टीवी उन्हीं 22 लोगों का है। उधर आप मोदी जी का चेहरा देख सकते हो। ये टीवी वाले, ये जो हमारी क्रांतिकारी गारंटियां हैं, ये कभी नहीं दिखाएंगे। धर्म की बात करेंगे 24 घंटा, मगर जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया तो मीडिया ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, चुप थे। देश के राष्ट्रपति को, देश के राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आने दिया, क्यों? क्योंकि वो आदिवासी है। मगर मीडिया ने एक शब्द नहीं बोला, चुप थे बिल्कुल। मैं देख रहा था वहां पे, अदानी बैठे थे, अंबानी बैठे थे, सब बैठे थे, लाइन लगी हुई थी, बॉलीवुड के सारे स्टार बैठे थे, क्रिकेटर बैठे थे, मगर वहां एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था। ये सच्चाई है। और इन 5 में से हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए सबसे जरूरी जाति जनगणना है, क्योंकि इससे जो आपके साथ धोखा हो रहा है, जो आपको झूठ बोला जा रहा है, वो सबके सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, नहीं, गरीबों की नहीं है, ओबीसी की नहीं है, दलितों की नहीं है, आदिवासियों की नहीं है, गरीब जनरल कास्ट की नहीं है, 22-25 लोगों की है। हमारी सरकार ये 5 काम आपके लिए करके, गारंटी करके मैं यहां कह रहा हूं, ये हम आपके लिए करके दिखा देंगे। आप सब आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।